أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं ये जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये बैचिंग प्लांट की बना रहा हूँ और इसको कंक्रीट प्लांट भी कहा जाता है। तो मैं इसकी मुकम्मल जो है इसकी तफसील जितनी भी है वो आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ये जो आपको एग्रीगेट क्रश नज़र आ रहा है ये है हमारा 38 mm और ये इसकी स्टॉक पाइल है। इससे आप आगे जाएँ तो ये देखें हमारी सैंड भी पड़ी हुई है, सैंड है ये भी अच्छी आप देख सकते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड है क्योंकि कंक्रीट में जो है ना फाइन सैंड इस्तेमाल नहीं होती तो इसलिए ये सैंड कोर्स सैंड होती है। तो इसी के साथ वो देखें आगे फिर आप चले जाएं, ये जो है ये हमारा जो है 3/4 यानी 19 mm डाउन मटेरियल और इसी तरह 3/8 यानी 9 mm डाउन मटेरियल। क्योंकि ये इसलिए अलग-अलग साइज़ हैं कि जिस तरह हमारी क्लासेज ऑफ कंक्रीट है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसका जो मैक्सिमम साइज़ एग्रीगेट का है वो भी अपनी अपनी क्लास के मुताबिक है। जैसे वो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी उसमें जिक्र किया था कि प्लम कंक्रीट में क्लास बी कंक्रीट यूज़ होती है। ये आप देखें साहब ने उसका ये देखें कोल्ड बिन इसको कह सकते हैं हम, इसमें आप देखें तो इसमें कुछ दो एग्रीगेट के हैं एक सैंड का है। तो दरमियान में देखें तो आपको यानी कि मोटे साइज़ की क्रश नज़र आएगी जो कि 38 mm डाउन है, उसके साथ है वो फिर 19 mm डाउन 3/4 उसे कहते हैं इंच में ना, तो उसके साथ जो है वो जो है 3/8 यानी कि 9 mm 10 mm भी कह सकते हैं 9.5 तो वो है। फिर इससे आगे जो इसका केबन है कंट्रोल केबन वो फिर अपनी उसको परसेंटेज दी हुई होती है कि वो उस परसेंटेज के हिसाब से फिर उतना मटेरियल लेता है बाई वेट, फिर वो आगे उसका पेस्ट बनाता है फिर उसके मुताबिक आगे फिर वो मिक्सिंग के लिए जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ये मटेरियल पड़ा है क्रश और वो सैंड है और इसी तरह वो एक इलादा स्टॉक लगा हुआ है वो डिफरेंट जिन मोटा एक साइज़ है उसका और लोडर भी साथ जो इसमें खड़ा है और वो लोडर फिर उठा के ना ये कोल्ड बिन इसमें डाल देता है। फिर आगे ये देखें फ्रंट व्यू देखें आप, इसमें फिर वो ऑपरेटर जो है उसको जो जो मटेरियल जितने वेट रिक्वायरमेंट है तो वो इससे फिर मैं आपको करीब ले जाता हूँ। ये आप देखें आप चले जाना अभी हम जा रहे हैं जी, ये देखिए यहाँ पे आप आ जाए तो यहाँ से वो फिर जितनी जितनी उसको रेत चाहिए क्रश चाहिए तो वो यहाँ से वो ले लेते हैं और ये इसके साथ ये लिफ्ट भी है और ये इसको उठा के फिर आगे मिक्सिंग के लिए ऊपर ले जाता है कंवेयर। फिर ऊपर जो है 1.5 से 2 मिनट तक ये मिक्सिंग होती है। फिर इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ एडमिक्सचर भी यूज़ होता है तो ये एडमिक्सचर का ये टैंक इसी बनी हुई है, इससे फिर वो जितना चाहिए कंक्रीट में उतना फिर वो यहाँ से ये मोटर के ज़रिए उठा के ऊपर ले जाते हैं। बाद दफ़ा ये ख़राबी हो जाए तो फिर साथ ड्रम भी रख लेते हैं, ड्रम के ज़रिए भी केमिकल ऊपर ले जाते हैं उसकी मिक्सिंग के लिए। तो इसी तरह ये सैलो भी है, ये कंक जो हमारा सीमेंट आता है ये देखिए अभी बलकर आया हुआ भी है और ये लगा हुआ है। तो ये इसमें सीमेंट होगा मोबेश 84 टन या 100 टन इस तरह का स्टोर होता है, इससे वो सीमेंट ले लेता है। और बाकी ऊपर आपको भी मैं दिखा देता हूँ मैचिंग प्लांट का जो मिक्सिंग यूनिट है वो भी आप देख रहे हैं इस तरह के। अभी ये फंक्शनल नहीं है, अगर कोई गाड़ी आ गई TM ट्रांसमिक्सर तो फिर लोडिंग के दौरान भी आपको मैं दिखा देता लेकिन अभी वो गाड़ी नहीं, वो देखे सामने खड़ी है ठीक है जी, TM जो है वो सामने खड़ी है और ये बलकर भी आया हुआ है सीमेंट वाला। और बाकी जो है इसी के साथ जो है एक वाटर टैंक भी बनाया हुआ होता है उसमें फ्रेश पानी है, ये देखें बोर किया हुआ है और बिल्कुल साफ़ पानी इस्तेमाल होता है ताकि इसमें किसी किस्म के कोई और
आयल वगैरह या किसी किस्म की कोई ऐसा पार्टिकल ना जाए कि जो कंक्रीट को नुकसान दे। और ये इसके ऊपर कवर्ड भी है, ये टैंकी है। गर्मियों में ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंक्रीट का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें आइस इस्तेमाल होती है, बर्फ, वो बर्फ इस टैंकर में डाल देते हैं तो फिर ये कंट्रोल हो जाते हैं। ये और दूसरा ये है कि वो जब गर्मी हो तो उस टाइम क्रश के ऊपर भी पानी लगाते हैं ताकि उसका भी टेम्परेचर कम हो जाए। तो कंक्रीट का टेम्परेचर जो है 32 से बढ़ना नहीं चाहिए ना, क्योंकि फिर स्ट्रेंथ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप सब लोगों को कंक्रीट प्लांट की मालूमात हो जाए कि ये कैसा होता है और क्या क्या इसमें फंक्शन है। तो मैं आपको ले कर जाता हूँ अभी कंट्रोल रूम में, ना वहाँ पर चले जाते हैं। ये मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, ऑपरेटर कहाँ पे बैठते हैं वो, फिर वो भी आपको दिखा देता हूँ, आप देखते हैं। ये हम आ गए हैं कंट्रोल केबिन में, ये लैब के भी बंदा बैठा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें ये कंट्रोल केबिन है, इसमें देखें आप, ये देखें ये एग्रीगेट है, ये एडमिस्टर है, ये सीमेंट है, ये वाटर पानी है, और ये आगे वोल्टेज वगैरह है ना। तो ये मुकम्मल ऑटो है, छेड़ छड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें इनको डिज़ाइन भी दिए हुए हैं, ये कम हो गए शो, ये 6 क्लासेस कंक्रीट यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो ये उनके इनको ये देखें डिज़ाइन वेट शीट दे दिए हुए हैं। तो ऑपरेटर पर बंद होता है इसका, और मैंने अभी जिक्र किया था ना वो साइज जो है, ये देखें 38 mm, ये क्लास बी। पीछे एक मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ, उसमें मैंने जिक्र किया था कि क्लास बी कंक्रीट के बारे में मैं फिर बताऊंगा कि वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ उसकी क्या है और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी उसकी बताएं। तो इसमें देखें, ये देखें वो 38 mm जो है, ये देखें 20% वो है, 20 mm जो 3/4 है वो देखो 55% है, 3/8 है वो देखें, 10 mm बनता है 25%, ये 100 हो जाता है। ठीक है जी, ये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से फिर आगे वेट निकले हुए हैं। और ये क्लास बी कंक्रीट है, ठीक हो जी। ये एक हम ट्रायल करते हैं मिक्स डिज़ाइन, उसके ऊपर जो ट्रायल ठीक आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो फिर हम उसी की अप्रूवल दे देते हैं। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ क्लासें हैं, ये 3 है, ये बी है, ये लीन का है, ये 2 का है, ये 1 है, ये D2 है। ये इसलिए बहुत मैले मैले और फटी हुई लग रही है, ये 2.5-3 साल पहले किए गए थे ना डिज़ाइन है उसके मुताबिक, तो ये इसलिए ख़राब हो गए। तो यहाँ से फिर ऑपरेटर बैठ के ना इसको एक ऑपरेट करता है। ये बाहर का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इधर से इसको नज़र आता है वो, फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर मिक्सिंग होती है, नीचे TM लगती है और फिर वो डिस्चार्ज कर देते हैं। ये देखें बाहर का भी व्यू, ये देखें जी सालो है, इसमें सीमेंट स्टोर होता है और ये ऊपर मिक्सिंग यूनिट है, यहाँ पर क्या है। तो इसमें कोई कमी पेशी हो तो वीडियो मैंने बनाई है, माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।